गोरखपुर जिले में बुधवार को 49 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 31 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 6, गोरखनाथ में 14, कोतवाली में 7 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 4, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 8, खुराबार में 4, गोला में 3, कौड़ीराम तथा सहजनवा थाना क्षेत्र में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक 73 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 21,768 हो गई है। इनमें 367 की मौत हो चुकी है, 21,165 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 236 हो गई है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है, इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।